मुजफ्फरनगर में आज से शुरू होगी कांवड़ यात्रा। जनपद को 9 सुपर जोन और 60 सेक्टरों में बांटा गया। करीब 4 करोड़ कांवड़ियों हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर गंतव्य तक पहुंचेगा। कांवड़ यात्रा की तैयारियों के मद्देनजर मुजफ्फरनगर को 4 सुपर जोन और 16 जोन और 80 सेक्टर में बांटा गया। SSP संजीव सुमन ने बताया कि कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा की सेवा के लिए जनपद में 3000 पुलिसकर्मी तैनात हैं। जिले में चप्पे चप्पे पर नजर रखने के लिए 1289 CCTV कैमरे लगाए गए हैं, जबकि कांवड़ पटरी मार्ग और हाईवे सहित शहर के विभिन्न हिस्सों पर ड्रोन कैमरों से भी नजर रखी जाएगी। कांवड़ यात्रा के संबंध में इस साल हर साल के बात है और इससे इसके अतिरिक्त और व्यवस्था की गई है। इसमें जितने भी कांवड़ यात्रा, जैसे कि नहर पटरी मेन मार्ग और NH का मेन मार्ग है, इसके अतिरिक्त तो करीब 7 मार्ग में से 2 ही मेन मार्ग है। इसका उसी मार्ग से अलग अलग रास्ता निकलता है। जो मेन नहर पटरी मार्ग है, पूरा नहर पटरी मार्ग जहाँ हरिद्वार बॉर्डर से लेके मेरठ बॉर्डर तक लाइटिंग की व्यवस्था की गई है और जहाँ गड्ढे थे गड्ढे भी भरी गई है। और अभी भी कुछ जगह पे एक दो फाइनल टचअप बचा है, उस पर कार्रवाई चल रही है। इसके अतिरिक्त जो हमारी पूरा कांवड़ ये पूरा जो रास्ता है उसको करीब 80 सेक्टर में और 9 सुपर जोन में बांटा गया है। इसी के बेसिस पे 12-12 घंटा की ड्यूटी पे अधिकारी ड्यूटी लगाई गई है। इसके अतिरिक्त करीब 1527 के CCTV कैमरा लगाया हुआ है और इससे कुछ जो करीब 400 के ऊपर CCTV कैमरा का फीड लाइव फीड कंट्रोल रूम में लिया गया, जो मेन कंट्रोल रूम है, जो पुलिस लाइन में है, मेन कंट्रोल रूम में है। उसके अतिरिक्त एक और कंट्रोल रूम शू चौक पर बनाई गई है, एक तो ये है। इसके अतिरिक्त करीब 323 सफाई कर्मचारी की ड्यूटी लगाई गई है देहात एरिया में, और अपने भी नगर पालिका क्षेत्र में कंसर्न नगर पालिका के जो भी यूओस है वो सफाई कर्मचारी सफाई का व्यवस्था देखेंगे। इसके अतिरिक्त एक इस बार जो नॉर्मल लाइटिंग के अतिरिक्त और 3 जगह पर लाइटिंग की व्यवस्था की गई है, जिसमें पिछले साल का एक्सपीरियंस करने से कुछ समस्या आ रही थी, ये व्यवस्था की गई। इसके अतिरिक्त जब कांवड़ जब जहाँ जहाँ इम्पोर्टेंट जंक्शंस हैं, जहाँ रूट चेंज होती है कांवड़ यात्रियों के लिए, उनको सुगम जानकारी के लिए फ्लैक्स भी बड़ा बड़ा फ्लैक्स होल्डिंग्स लगाया जा रहा है कि उनको जानकारी हो कहाँ जा रहे हैं, कि उस तरफ जाना चाहते नहीं जाना चाहते, ये है। इसके अतिरिक्त जो भी शिविर आयोजकता है उनके साथ मीटिंग की गई है, 2 बार मीटिंग की गई है, तो यही। और उनकी कोई समस्या हो तो ऑनलाइन कोई भी समस्या हो, सिंगल विंडो सिस्टम किया गया ताकि उनको कोई परमिशन कोई समस्या ना हो। सभी कांवड़ जो शिविर लगा रहे हैं उनसे अपील की गई है, 2019 से सिंगल यूज़ प्लास्टिक पे बैन है, सो सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन है और प्लास्टिक का पदार्थ इस्तेमाल ना करें और प्लास्टिक मुक्त कांवड़ आयोजन किया जाए। इसके अतिरिक्त बहुत सारे संगठन भी अपना अमूल्य योगदान कर रहे हैं। आशा यही है कि जो कांवड़ यात्री आते हैं, जब हमारे प्रदेश में एंट्री करेंगे, उनको भव्य स्वागत हो और इसके बाद इनको कोई समस्या ना हो, और ताकि इसके अतिरिक्त हेल्पलाइन भी, ये कंट्रोल रूम बना हुआ है, कोई भी किसी को कोई समस्या होती है उसको